मैनपुरी की महाभारत में दांव पर दांव खेला जा रहा है, जंग पर जंग हो रही है। आमने सामने की इस लड़ाई को सपा और बीजेपी ने साख का सवाल बना लिया है। अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी गढ़ भेदने की तैयारी में हर जुगत आजमा रही है। रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी की जंग में सपा ने अपने पत्ते खोल दिए। सपा की ओर से मैदान में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा। डिंपल यादव को सियासी समर में उतारने का अखिलेश का एक ही मकसद है, अपने गढ़ में कोई रिस्क नहीं लेना, मुलायम की विरासत को हाथ से नहीं जाने देना। कैंडिडेट्स को लेकर काफी मंथन का दौर चल रहा है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर मुलायम कुनबे की ही अपर्णा यादव के साथ कई दूसरे नामों पर भी चर्चा हो रही। प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज सिंह शाक्य और ममतेश शाक्य के अलावा बीजेपी एसपी बघेल के नाम पर भी विचार कर रही है, ये देखना होगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन हर किसी के अपने नफे नुकसान है। बीजेपी अपर्णा को अगर मैदान में उतारती है तो यादव परिवार और यादव वोटों पर चोट कर सकेगी। शाह के समुदाय से उम्मीदवार उतारती है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जातीय समीकरण को साध सकेगी, क्योंकि मैनपुरी सीट पर 4.25 लाख यादव, 3.25 लाख शाक्य कुशवाहा, 1.5 लाख छत्री मतदाता हैं। मैनपुरी में विपक्ष की ओर से ज्यादातर गैर यादव ओबीसी चेहरे चुनाव मैदान में सामने आते रहे। बीजेपी अगर एसपी बघेल को रण में भेजती है तो मजबूत चेहरा मैदान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।